हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रेजी किड्स। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस फ्रिज का रिव्यू। जब मैंने अपलोड की थी वीडियो साल पहले इसकी अनबॉक्सिंग की, उस टाइम बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस फ्रिज के बारे में। तो आज इस फ्रिज के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, इनसाइड और आउटसाइड। तो ये फ्रिज है सैमसंग 676 लीटर्स। तो अब मैं आपको इनसाइड खोल के बताती हूँ कि इस फ्रिज के अंदर क्या क्या है। तो फ्रेंड, ये सैमसंग का साइड बाय साइड फ्रिज है 676 लीटर, और इसका जो रेफ्रिजरेटर है, पहले मैं वो ओपन करूंगी। और जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो अपलोड करी थी, उस टाइम पे पहला क्वेश्चन यही था कि जो बड़ी बॉटल्स हैं वो इस फ्रिज में आ जाती हैं कि नहीं। तो ये देखिए, दूध की 5 बॉटल्स पड़ी है ऊपर वाली शेल्फ के ऊपर, ये देखिए, और हर बॉटल 3 लीटर की है। और साथ में जूस पड़ा है 2 लीटर का, और 3 एग ट्रे भी पड़ी हुई है यहाँ पर। और ये देखिए, जो शेल्फ है वो नीचे की तरफ झुक भी नहीं रही। और इस कंपार्टमेंट में आप अपनी जो पानी की बॉटल्स हैं वो रख सकते हो। इस कंपार्टमेंट में मैंने रखा हुआ है योगर्ट, साथ में स्प्रेड बटर पड़ा हुआ है, साथ में पनीर पड़ा हुआ है, और बाकी जो सब्जी वगैरह बची होती है ना वो रखी हुई है। नीचे वाले कंपार्टमेंट में भी काफी कैपेसिटी है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस शेल्फ के ऊपर मैंने रखे हुए हैं ग्लास कंटेनर्स, और सब में जो सब्जी, जो आटा हमारा गूंदा हुआ होता है, राइस, बटर, जूस की एक और बॉटल पड़ी है, ये सब यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। ये देखिए, ये वाली जो ट्रे है ये साथ ही में आई थी, इसमें मैंने सारे बच्चों के चीज, साथ में बटर जो बचा हुआ है वो रखा हुआ है, हैम, ये चिकन पड़ा हुआ है यहाँ पे। और इस कंपार्टमेंट में मैंने रखे हुए हैं वेजिटेबल्स, ये देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सारे पड़े हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये सैलेड के जो पाउचेज आते हैं वो पड़े हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने सामान रखा हुआ है। और ये देखिए, डोर की इस साइड में भी हमारी जो कैपेसिटी है वो काफी है। और ऊपर वाले जो कंपार्टमेंट में मैंने फूड कलर्स रखे हैं, साथ में पेप्सी पड़ी है, जैम पड़ी है, यहाँ पर सारी सॉसेज वगैरह रखी हुई है मैंने, इसमें रखा हुआ जो मैंने सॉस घर पर बनाई है वो सारी यहाँ पड़ी है, इसमें हमारा बोल सकते हैं कि गार्लिक जिंजर का पेस्ट पड़ा हुआ है, साथ में सॉस भी पड़ी है, मतलब काफी कैपेसिटी है, आप देख सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था, वो ये था कि अगर आपके पास बड़ा पॉट है, अगर आप फ्रिज में ऐसे ही लगाना चाहो तो वो लग सकता है कि नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये काफी बड़ा पॉट है, 5 लीटर का है, मैंने इसके अंदर रख दिया, बंद करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब बताती हूँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। और वो क्वेश्चन था कि जो हम पानी डालते हैं उससे आइस नहीं बन रही। तो ये है वाटर टैंक, ये 5 लीटर का है, प्यूरिफाई भी करता है वाटर को, और यहाँ पर हमें पानी डालना है, ये देखिए। और यहाँ आजकल विंटर चल रहा है तो इसकी जरूरत हमें कम पड़ती है। तो अब फ्रीजर ओपन करती हूँ मैं, और ये देखिए, यहाँ पर आइस पूरी बनी हुई है, ये देखिए, आइस क्यूब्स यहाँ पर हैं। और जब ये मैंने अनबॉक्स करी थी फ्रिज, उस टाइम पे इसे बनने में लगे थे 4 घंटे। पानी मैंने वाटर टैंक में डाला, यहाँ पर क्यूब बनी 4 घंटों के बाद। और ये देखिए फ्रीजर की कैपेसिटी, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने घर पे नहीं रखी हुई। पंजाबियों के समोसे भी पड़े हैं, बर्गर की टिक्की भी पड़ी हुई है, स्प्रिंग रोल भी पड़े हैं, पंजाबी समोसा, ये और वैरायटी है, ये भी पड़ी हुई है, ये बच्चों का जो नॉनवेज का सामान है, चिकन, बर्गर्स की टिक्की, सास में सॉसेज, ये सारा यहाँ पे सामान मैंने रखा हुआ है। और इसमें मैंने रखे हुए हैं जो हमारे फ्रीजर में पीज वगैरह होते हैं, जो सब्जियां होती हैं फ्रोजन, वो यहाँ पर मैंने, जो घर पर मेरी चिलीज लगी थी ना, हरी मिर्ची, वो मैंने स्टोर करके रखी हुई है इस बॉक्स में, ये देखिए। तो ऐसे आप सामान यहाँ पर रख सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटी इसकी बहुत ही ज्यादा है। अब मैं आपको यहाँ से पानी और आइस निकाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अब मैंने एक जार ले लिया है। अब हमारी ब्लू लाइट है वो वाटर के ऊपर है, जहां पर ये लाइट होगी इसका मतलब वही चीज बाहर आएगी। अब मैं इसको करती हूँ क्रश के ऊपर, क्रश्ड आइस निकालने में।
आइस क्यूब्स, और ये ब्लू मार्क यहीं पे होना चाहिए। ये देखिए, अब यहाँ जाएंगे हम पानी के ऊपर, तो जो आपकी लाइट है वो वाटर के ऊपर होनी चाहिए। तो ये देखिए पानी आ रहा है बाहर। तो आजकल यहाँ पे विंटर है तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये जो पानी है, बर्फ है, सारी प्यूरीफाई होकर यहाँ पर आई है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो इस फ्रिज की कैपेसिटी है वो ओवरऑल बहुत ही अच्छी है, और मुझे इसको लिए हुए साल हो गया है। मैंने पिछला जो अनबॉक्सिंग का वीडियो था अपलोड करा नियरली साल पहले, तो साल के बाद ये फ्रिज बहुत ही अच्छी चल रही है। और अगर मैं इसको रेटिंग दूं तो मैं इसको 5 स्टार रेटिंग दूंगी, 5 out of 5। तो मेरे लिए ये फ्रिज बेस्ट फ्रिज है। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि अब मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो दे दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी और कोशिश करूंगी कि जो भी आपके क्वेश्चन है उसका आंसर कर पाऊं। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।